लेकिन जो ये आपने सनातन सेलिब्रिटी वाली बात की है, उपनिषदों में एक लाइन आती है कि हिरणमयन पात्रेण सत्य सभेदम मुखम, कि हिरणमयी जो पात्र होता है वो सत्य को ढक देता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसको जानना है ये उपनिषद क्या है, भारी भरकम नाम तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वेद ही सुन रहे हैं सब कुछ, कौन सा सिरा पकड़ें कि हम सही रास्ते पे आगे उसको पढ़ते जाएं, आगे समझते जाएं? रामायण और महाभारत कैसे आए बीच में, आप जिसको इतिहास कहते हैं, ये मेरा सवाल है, क्या है ये दो? इसमें क्या है कि रामायण और महाभारत निश्चित इतिहास है। अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत पुराना उनका है, वो ये बोलते हैं कि स्पाइडरमैन अगर न्यूयॉर्क में है तो इसका मतलब न्यूयॉर्क में होने से स्पाइडरमैन सच नहीं हो जाता। अब भारतीय दर्शन परंपरा में एक व्यक्ति जो अपने समय में भी विवादित रहे, काफ़ी चर्चित रहे, रजनीश ओशो। ओशो की बहुत बड़ी ताकत थी, उनके शब्दों की जो ये ताकत है और जो लयबद्धता है, वो इतनी बड़ी ताकत है कि वो एक तरह से मादक पदार्थ है। बाबाओं का लोकप्रिय होना है, फिर आम जन मानस का उन्हीं को देखकर लगता है कि यही सनातन है, यही वो धर्म है, यही अध्यात्म है, हमारे लिए किस तरह से इनको देखें, किस तरह से सोचें? नमस्कार, मैं कुमार श्याम, हमारे शो के नए संस्करण में आपका स्वागत है। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो युवा हैं, लेकिन उनकी विद्वत्ता, उनकी समझ, उनकी तर्क शक्ति बहुत ही सराहनीय है और उल्लेखनीय भी है। हमारे साथ हैं विशाल चौरसिया जी, आपका स्वागत है। और मैं तो आपके वीडियोस देख के अचंभित होता हूँ, क्योंकि जो प्रश्न हिंदू युवा के मन में होते हैं, अक्सर ठोक दिए जाते हैं या होते हैं, वो तो अलग बहस है, लेकिन उनके जवाब जिस तर्क सरणी के साथ, जिस वैज्ञानिक सोच के साथ आपने दिए हैं, वैसा किसी अन्यत्र नहीं देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे तमाम विषयों पर, लेकिन सबसे पहले बताइए कि आप कौन हैं, अच्छा, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, ताकि दर्शकों से एक नए सिरे से आपका परिचय हो सके। बहुत कम जगह पे मैंने अपना परिचय दिया होगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे भी नहीं बताता हूँ कि मैं विशाल चौरसिया हूँ। तो नाम मेरा विशाल चौरसिया है और मैं अयोध्या से हूँ, और अयोध्या में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई, और उसके बाद फिर जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली और उसके बाद लगा कि अब तो शहर को छोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ से फिर निकलकर हम लोग, मैं बिहार गया और वहाँ पर IIT पटना से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने एक PSU है उसमें 6-7 साल काम किया है, और फिर वहाँ पर मैंने रिज़ाइन करके फिर ये जो मेरी ये यात्रा है, जो कि उसके पहले ही शुरू हो गई थी, रिज़ाइन करने से पहले ही, तो फिर अब वो होता है ना कि दो नाव पे नहीं चलना चाहिए, नहीं तो दोनों जगह नहीं रह जाएंगे। तो फिर वहाँ से निकलकर इसको ही पूरा सर्वस्व की अब यही करना है, इसमें ही लग गए। लेकिन ये बीज कब आपके भीतर पनपा कि मुझे सनातन की उन ग्रंथों की उस मर्म को लोगों तक पहुंचाना है सरल भाषा में? देखिए, इसमें अभी आपने जो प्रारंभ किया, इसमें आपने बोला कि बहुत ढेर सारे प्रश्न होते हैं जो थोपे गए हैं, और एक कुछ होते हैं जो जिज्ञासा से आते हैं। तो जिज्ञासा से जो प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह है सनातन धर्म में, और ये परंपरा आई है कि जिज्ञासा से जो प्रश्न है उनको ढूंढिए। तो मेरे साथ था जिज्ञासा वाला, मेरे साथ थोपने वाला नहीं था। और अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो 50% थोपने वाली होती है कि ब्रह्मा जी की सरस्वती जी बेटी है तो उनके साथ ऐसा हो गया, तो इस पे बताइए, या फिर विष्णु वृंदा जी का जो है, या फिर शिव जी के साथ ऐसा है, शिवलिंग का अपमान हो गया, इस पे बताइए। तो ये भी बताना पड़ता है, क्योंकि ये इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर परंपरा से आप जानेंगे सनातन धर्म को तो ये प्रश्न नहीं उठेंगे, लेकिन ये प्रश्न थोपे गए हैं, और चूंकि हिंदुओं को इस अपने सनातन धर्म के विषय में नहीं पता है, इसलिए बनाने पड़ते हैं। लेकिन मेरा जो था वो जिज्ञासा बसा रहा था, और चूंकि हम लोग, मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं अयोध्या की भूमि से आ रहा हूँ, और उसके बाद मैं IIT में गया हूँ, और इसके पैरेलली भी मैं क्या कर रहा था कि मैं बहुत सी चीज़ों को खोज रहा हूँ, चाहे वो फिक्शन के माध्यम से है, चाहे वो डेथ का कॉन्सेप्ट है, या फिर हमारा पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस जो है उस पर लगातार मंथन चल रहा है। तो उसमें फिर मैं विज्ञान की पुस्तकों को भी पढ़ रहा हूँ, साथ में जो वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़ता हूँ, तो वहाँ कहीं ना कहीं देखता हूँ जो लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस पर जो ऑथर्स हैं या फिर जो साइंटिस्ट हैं, वो ईस्टर्न फिलॉसफी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं,
और ईस्टर्न फिलॉसफी में भी चाहे टाओइज्म है, जैन है, बुद्धिज़्म है या भारत का सनातन धर्म है, इनमें भी वो ढूंढना चाहते हैं कि क्या इस तरह की बातें हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं जिनके बाद पूरा जो एक तरह से आप कहिए फाउंडेशन है साइंस की वो बहुत अलग तरह से बदली है पिछले 100 सालों में। तो वहाँ से फिर जब मैं इन वक्तव्यों को पढ़ता हूँ, जब मैं नील्स बोर को पढ़ता हूँ और वो बात करते हैं उपनिषद की, जब मैं फाइनमैन को पढ़ता हूँ या फिर श्रोडिंगर को पढ़ता हूँ और वो उपनिषद में जाते हैं या टाओइज्म की बात करते हैं, जेन की बात करते हैं, तब मुझे लगता है कि अच्छा फिलॉसफी भी कुछ है। तो मेरा बैकग्राउंड तो IIT वाला था, मेरा बैकग्राउंड तो साइंस वाला था, मैं साइंस की पुस्तकों को ही पढ़ रहा था, लेकिन जब मैं उन विचारकों को ये देखा कि विज्ञान जो हमें एक जगह पहुंचाता है और उससे जो फिलोसॉफिकल थॉट उठता है, क्योंकि जानते तो हम सब विज्ञान की ही मदद से हैं, लेकिन उसका जो कंक्लूजन हमें मिला है वो कंक्लूजन जीवन के परिप्रेक्ष्य में क्या बता रहा है, वो जो है वो थॉट प्रोसेस अगर कहीं फिलोसॉफी में मिलता है तो उस पर भी विचार करते हैं वो लोग। तो उस वजह से मैं इंट्रोड्यूस हुआ उपनिषदों को और उस वजह से फिर मैं इंट्रोड्यूस हुआ धर्म ग्रंथों को। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य ये है कि हमारे घरों में उपनिषद नहीं है, हमारे घरों में पुराण है, हमारे घरों में रामायण और महाभारत है जो कि अच्छी बात है, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन हमारे घरों में दर्शन नहीं है, उपनिषद नहीं है, वेद नहीं है। और जब हमारी जो पूरी ख्याति है, जो हमारे सनातन धर्म का जो पूरे विश्व में अगर कोई जानता भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है और सब जय जयकार कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो लोग जो अच्छे पढ़े लिखे लोग जान रहे हैं वो उपनिषदों की वजह से जान रहे हैं, वो बौद्ध धर्म की वजह से जान रहे हैं, वो आपके दर्शनों की वजह से आपको जान रहे हैं, वो आपके पुराणों की वजह से आपको नहीं जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरिट उसमें देखते हैं, इसलिए फिर उन ग्रंथों को मैं पढ़ना प्रारंभ किया। तो अब क्या होता है, और उसके बाद जब आप चर्चा ऐसे गहन मतलब ग्रंथों पर करते हैं, तो जो सामान्य सनातन धर्म का फॉलोवर है, जो हिंदू है, उसके मन में पौराणिक प्रश्न भी हैं। तो अब पौराणिक प्रश्न, वो जो पुराण में बातें हैं, उनको भी समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने बड़े बड़े दार्शनिक या फिर साइंटिस्ट हुए या फिर थेरिस्ट हुए, वो मैथोलॉजी को इस तरह से नहीं देखते कि वो बस मैथोलॉजी है, वो लिमिटेशन की तरह देखते हैं हमारे थॉट प्रोसेस की, कि जब हम क्वांटम लेवल पे जाकर हमारा थॉट प्रोसेस या हमारा जो नॉर्मल सेंस है जिससे हम समझना चाह रहे हैं उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो मैथोलॉजी को इस तरह देखते हैं कि ये धर्म की एक अपनी लिमिटेशन है कि उसको मैथोलॉजी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि रियलिटी में उसको कुछ मिल नहीं रहा, रियलिटी उसके लिए पाप आने वाली चीज़ नहीं है। ये पहले जान भारत से ये चीज़ उत्पन्न हुई सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के माध्यम से, फिर ये चाइना की और चाइनीज सोसाइटी ऐसी थी कि चाइनीज सोसाइटी पूरी तरह से सोशलिज्म और जो सोशल स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड फिलॉसफी थी उनकी, उनकी इंडिविजुअल फिलॉसफी नहीं थी कि मेरा व्यक्तित्व कैसे विकसित हो और मैं कैसे स्पिरिचुअलिटी में जुड़ूं। तो ये चीज़ें भारत से जब चाइना गई तो वहाँ के लोगों ने इसको समझा, और यही चीज़ फिर जापान में जाकर जेन में बदली, और जेन में लोगों ने फिर वो मेडिटेशन को उधर ले गए। तो इस तरह का जो पूरा थॉट प्रोसेस है इन ग्रंथों से आया, उपनिषदों से आया है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों से आया। तो फिर इनको पढ़ने लगा, और इनको पढ़ने लगा तो फिर उन पर विचार जो वीडियोस बनी और लोगों को पसंद आने लगी, और जब पसंद आने लगी तो फिर वही मेरा बनी। अब इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, जो मेरी जिज्ञासा है वो भी मुझे शांत करती है, साथ में इससे मेरा घर भी चलता है और लोग वीडियोस भी देखते हैं, उससे जो धन भी आता है उससे मेरा घर भी, तो ये सबसे अच्छा मेरे लिए है। तो अब इसमें ये चीज़ है कि जॉब इसीलिए छोड़ दी कि मैं इसमें पूर्णतया, चूंकि बिना पढ़े बनाना मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कि जस्ट बिकॉज कि हमें वीडियोस देनी और वो इसके लिए पढ़ाई रुके, तो पढ़ने के लिए फिर वो जॉब में आप रहेंगे फिर जॉब का काम आपका खराब होगा। तो फिर वो ये है कि ग्रंथों को पढ़ना है और वीडियोस बनानी है, ये थी यात्रा। पिछले 10 सालों में राजनीतिक रूप से जब परिप्रेक्ष्य बदलते हैं देश में तो उससे एक लहर निकलती है जी, राम मंदिर बना तो उससे भी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बना सनातनी दिखने का, सनातनी होने का, उससे कुछ सनातनी सेलिब्रिटी कोटम कोट कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं और हर कोई मतलब दिख रहे हैं कि हम सनातनी हैं ताकि उस ट्रेंड को फॉलो किया जा सके। ये जो एक सेलिब्रिटी कल्चर आ गया है कि हर कोई इस पे ज्ञान दे रहा है, यह कल्चर इसको सहयोग करेगा या फिर कोई विद्रूप स्थिति पैदा करेगा? देखिए, ये जो कल्चर है, क्योंकि मैं भी इसका पार्ट हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, मुझे सनातन धर्म ने इतनी तो स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने व्यक्तित्व बता सकता हूँ, हो सकता है उसमें 4 बातें गलत हों, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी जितनी बुद्धि मैं उतना बता रहा हूँ, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर कर रहा है। लेकिन जो आपने सनातन सेलिब्रिटी वाली बात की है, उपनिषदों में एक लाइन आती है कि हिरणमयन पात्रेण सत्य सभेदम मुखम, कि हिरणमयी जो पात्र होता है
वो सत्य को ढक देता है, जितना चकाचौंध वाली चीज होगी वो क्या करती है, वो सत्य को छुपाती है। तो लोग अपना सत्य छुपाना चाहते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो सबसे ज्यादा श्रृंगार किया है, सबसे ज्यादा वो माला पहना है, टीका लगाया है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ रंग दिया है, चार माला पहना है, कुर्ता पहना है, तो इसके मतलब उसके पास कुछ नहीं है, केवल वही श्रृंगार है। तो वो श्रृंगार की कारण, श्रृंगार के भरोसे वो अपने ज्ञान को छुपा रहा है। और जिनको कुछ अभी आप जितना आपने बताया कि सनातन जो आप सेलिब्रिटी, हाँ सनातन सेलिब्रिटी की बात करें, जो कल्चर की बात करें, वो यही है। क्योंकि आप अगर इतना श्रृंगार करके आपको फॉलोवर्स मिल रहे हैं तो वो श्रृंगार करके बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बातों में तो दम नहीं है, मेरी बातों में इतनी चीज नहीं है, मेरे श्रृंगार में है। तो इसीलिए उपनिषदों में पहले ही बता दिया गया कि जो ज्यादा श्रृंगार कर रहा है उसको श्रृंगार करने की आवश्यकता क्या है, इसका मतलब है वो सुंदर नहीं है पहला, इसलिए वो श्रृंगार कर रहा है, या तो उसके ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि उसका ज्ञान नहीं बोल पा रहा है, इसलिए उसको रूप बनाना पड़ रहा है। आज यही हो रहा है, आज आपका सत्य ही छुपाते हैं लोग। आज जो जितना गरीब है ना उतना वो ब्रांडेड दिखाने की कोशिश करता है कि भाई देखो मेरे, मैंने घड़ी पहनी है, मेरे पास जूता है, मेरे पास आईफोन है, उसका बैंक बैलेंस कुछ भी खराब, मतलब आप पूछ लोगे तो शायद बताए भी नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है उसको नहीं जरूरत है इस चीज की। तो ये सनातन सेलिब्रिटी केवल सनातन में ही नहीं है, ये हर एक स्तर पर है। क्योंकि उपनिषद केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं बोलते, ये हर एक स्तर पर बताते हैं कि जहां पर आपको दिखा थोड़ा सा भी बनावटीपन, थोड़ा सा भी चकाचौंध, वहां 100% सत्य से कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तो ये जो कल्चर आपको दिख रहा है ये इसीलिए है कि आप धार्मिक दिखने से आपको सम्मान मिलता है। आपने एक घटना देखते होंगे, शायद दर्शकों को बुरी भी लगे, आप देखिए जो स्त्रियां होती हैं किसी किसी पूजा या मंडप में, जब काली माँ का कुछ उनके में माता आ जाती हैं और वो नाचने लगती हैं, इसका कोई अभी तक कुछ ऐसा स्पिरिचुअल कारण नहीं मिला है कि माता आ गई हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली आप देखेंगे तो उनको वहां पर एक इम्पोर्टेंस मिलती है जिनके ऊपर माता आती है। ये एक सेल्फ ग्रेटिफाइंग है कि जहां इतनी स्त्रियां हैं और मेरे ऊपर माता आई हैं तो लोग मुझे देख रहे हैं। अगर आप, अब मैं ही हूं, अब कल को मैं एक सेल्फ प्रोक्लेम बाबा बन जाऊं तो मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं कि 100 200 500 लोग आ जाएंगे और मुझे ओशो बना देंगे, चार किताबें मैं पढ़ लूंगा तो मैं ओशो बन जाऊंगा। लेकिन वो मैं सत्य को छुपा ही रहा हूं। तो इसीलिए ये जो आप सनातन कल्चर बता रहे हैं वो इसी कारण से हुआ है कि लोगों को कम समय में प्रसिद्धि चाहिए। और कम समय में प्रसिद्धि कैसे मिलेगी, कम समय में ज्ञान तो नहीं मिलेगा, तो कम समय प्रसिद्धि ऐसे मिलेगी कि आप झंडा ले लो, जय श्री राम चिल्लाओ और भागो चारों तरफ, तो आप धर्म के वो हो गए, रक्षक हो गए। लेकिन सनातन को नए सिरे से बुनियादी रूप से समझने की अगर कोई कोशिश करे, जैसे मान लो मैं दावा नहीं करता कि मुझे आता है या फिर दावा कोई नहीं करता है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करे, जैसे कोई विद्यार्थी है उसको जानना है ये उपनिषद क्या है, भारी भरकम नाम तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वेद ही सुन रहे हैं सब कुछ, कौन सा सिरा पकड़ें कि हम सही रास्ते पे आगे उसको पढ़ते जाएं, आगे समझते जाएं। देखिए ये जो हमारा पूरा वांग्मय है, वांग्मय मतलब जो पूरा हमारे ग्रंथों का एक पूरा समूह है, ये इतना विस्तृत है और ये समूह, ये पहली बात तो बहुत ढेर सारे फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, ऐसे भी फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं जो आपको ग्रंथों से दूर ले जाते हैं कि आप ग्रंथ पढ़ो ही मत। जैसे कृष्णमूर्ति जी हैं, वो बोलते हैं कि आपको किसी स्ट्रक्चर में फंसना नहीं है, कि हम मुझे ग्रंथ पढ़ने हैं तो आप उसमें ही फंसे रह जाएंगे, ज्ञान लेते ही चले जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि इसमें आप जो प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप किसी, सबसे अच्छा तो उत्तर यही है कि आप गुरुकुल में कुछ थोड़े समय के लिए गुरुकुल में समय बिताएं। पॉसिबल है नहीं, दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे आसपास गुरुकुल इतनी इजिली उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ जो ज्ञान मिल रहा है बहुत बहुत अच्छा और बहुत उच्च स्तर का मिल रहा है। जो ज्ञान आपको सोशल मीडिया पे मुझसे और सोशल मीडिया पे बाबाओं से मिलेगा, उससे कई गुना अच्छा ज्ञान आपको गुरुकुल में मिलेगा, क्योंकि मैं गुरुकुल के आचार्यों से ही सीख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ज्ञान का स्तर क्या है एक नॉर्मल व्यक्ति में जो कि ग्रंथों को पढ़कर बता रहा है या फिर गुरुकुल। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसमें यह है कि आपको चुनना पड़ेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कि आपके लिए कर्म मार्ग। अब इसमें भी
हमें अगर मुझसे 12वीं में कोई पूछा होता कि भाई तुम्हें साइंस लेना है या ग्रेजुएशन करना है, उसमें हमें नहीं पता होता क्या करना है। उसमें तो ये था मेरे घर की स्थिति खराब है, IIT सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो निकालनी है, उसमें लग गए। तो ये भी क्या, ये जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा कहाँ ले जाती है। कुछ लोगों को तंत्र साधना में जाके जिज्ञासा शांत होती है, किसी की योग में शांत होती है, कोई उपनिषदों में जिज्ञासा शांत करता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भगवद्गीता से प्रारंभ करें, क्योंकि उसमें पूरा सार है। जब आप भगवद्गीता पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द आपके सामने आएंगे जिन शब्दों का या तो आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे या इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे, तो वो सही से ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं। जैसे बहुत से ऐसे शब्द हैं, हम धर्म का भी ट्रांसलेशन अभी सही नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपको आज के समय में, मुझे नहीं लगता इतनी कोई दुविधा की बात है, जब गूगल है आपके पास, जब इतनी इंफॉर्मेशन से भी हमारी दुनिया है, तो आप खुद से पढ़िए, आप सर्च कर लीजिए टर्म बाय टर्म कि अव्यक्त क्या है, व्यक्त क्या है, पुरुष क्या है, तन्मात्रा क्या है, अहंकार क्या है, और उनकी जितनी भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी गुरु आचार्य वीडियोस जो बोल रहे हैं, आप थोड़ा समय दीजिए। जब आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कुछ शब्दों की, क्योंकि वो कुछ शब्दों का ही खेल है। आप दर्शन कितने भी पढ़िए, 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन, उसके अलावा भी जो हमारे पाश्चात्य दर्शन है, या आपके दर्शनों में कुछ 4-5 चीजें हैं जिनको आपको समझना है कि वो किस तत्व पर बात कर रहे हैं। वो जब आपको समझ में आ जाता है तो आप कोरिलेट कर पाते हैं। तो बुनियादी स्तर पर आप मुझसे कहेंगे तो मैं कहूंगा कि आप किसी गुरुकुल में या आचार्य से अगर आपका संबंध हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं कि आचार्य की क्या आवश्यकता है, मैं सेल्फ। तो बात यह है कि आचार्य आपके लिए कुछ चीजें आसान कर देते हैं। जो चीजें आप 10 दिन में खोजते हो सकता है वो तुरंत आपको बता दें, और आपको गलत जो इंटरप्रिटेशन आपने किया है वो सही, और वो आप उस पर तर्क भी करिए। ऐसा भी नहीं कि आचार्य ने बता दिया है तो मेरे आचार्य ये बता रहे हैं तो हम परंपरा को लेकर लड़ जाए। ऐसे बहुत बार होता है, मेरे पास प्रश्न आते हैं या फिर मेरे पास रिस्पांस आता है कि मेरे इस परंपरा में तो ऐसा है। परंपराओं से मत चलिए, आपको अपनी जिज्ञासा, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने साथ बैठना है, आपको आपके गुरु के साथ नहीं बैठना है। गुरु का एक उद्देश्य है आपको बताना, उस पर तर्क करके आपको, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया से झूठ बोल लीजिए, आपको वीडियो बनानी है, आपको किसी को ज्ञान देना है, आपको किसी से बातें करनी है, आप दुनिया से झूठ बोलिए और प्रसिद्धि प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपको बैठना तो अपने साथ है। और जब आपको अपने साथ बैठना है तो आप अपने आप को झूठ से खुश नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको तर्क करने हैं, और आचार्यों से तर्क करिए। आचार्य आपको बताते हैं, मैं कभी भी प्रश्न करता हूं, और मैं 4-5 मेरे प्रश्न ऐसे रहते हैं आचार्यों से कि मैं करते रहता हूं, तो उससे भी बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। और फिर कुछ छोटे छोटे, अब जैसे उपनिषद है, ईश उपनिषद है आपका, 18 उसमें श्लोक हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, गहरी बातें हैं उसमें, लेकिन आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको 1 साल लग जाएगा। आप उसको पहले पढ़िए, तो एक दिन आप उठाइए पढ़ लीजिए, 18 श्लोक हैं, देखिए जो बेसिक ट्रांसलेशन है उनको देखिए, उसके बाद आप उस पर और गहरी रिसर्च करिए। आपका केन उपनिषद है, बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है, मैं छांदोग्य और बृहदारण्यक की बात नहीं करता, वो बहुत बड़े उपनिषद है, लेकिन जो छोटी पुस्तकें हैं, या फिर बहुत से ऐसे रामकृष्ण मिशन है जैसे, तो उनकी बहुत पतली पतली पुस्तिकाएं आती हैं, वो पुनर्जन्म पर ही एक विषय पर ही एक पुस्तिका है, या फिर आपके कर्म सिद्धांत पर एक पुस्तिका है, आपका सांख्य दर्शन पर एक सांख्यकारिकाएं 72 ही सूत्र हैं। तो और अभी जैसे कि आपको अद्वैत पढ़ना है तो अद्वैत में भी वेदांत सार है, दिग्दृश्य दर्शन है। तो आप ये जब पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे ग्रंथ भी हैं, जो और वो छोटे ग्रंथ इसलिए छोटे हैं क्योंकि जो इतनी बड़ी बातें थी, कोई आचार्य आया और उसको जन सामान्य के लिए सूत्रबद्ध करके छोटी सी पुस्तिका में रखा है। तो ये है, वैसे अगर आप प्रश्न करेंगे, ये प्रश्न मैंने अपने आचार्यों से भी किया है और वो यही बोलते हैं कि इसका कोई उत्तर है नहीं कि आप कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं कि आप कुरान पढ़ लें या बाइबिल पढ़ लें, तो यहाँ पर तो ऐसी एक पुस्तक बताएंगे, लेकिन फिर भी भगवद्गीता को उस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि जिससे एक आपके अंदर अपने धर्म के नाम पर एक ग्रंथ तो आपको पता हो। तो भगवद्गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है क्योंकि उसमें आपको सांख्य और योग दोनों का सार मिलता है, आपको उसमें कर्म सिद्धांत भी मिल जाता है, आपको उसमें पुनर्जन्म का, क्योंकि अगर कोई भी सनातन धर्म का फॉलोअर है तो कितना भी नास्तिक हो, अगर वो अपने आप को सनातन धर्म का, मैं हिंदू नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू तो अलग परिभाषा है, अगर सनातन धर्म का अनुयायी है और तो उसको ले देके पुनर्जन्म एक सिद्धांत और कर्म सिद्धांत ये तो मानना ही पड़ेगा, ये फेथ पे मानना पड़ेगा। अब इसका साइंटिफिक
जो भी आउटकम है या जो कंक्लूजन है कब आएगा ये नहीं पता है, या हो सकता है कि साइंस इसको प्रूव कर दे कि नहीं भी होता है, लेकिन जो सनातन धर्म का अनुयायी है वो पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को मानते हुए, तो इन्हीं से शुरू करें, पहले कर्म सिद्धांत को समझना शुरू करें आचार्यों से कि कर्म, और कठिन प्रश्न करें कर्म सिद्धांतों पर, पुनर्जन्म को लेकर चर्चा होनी चाहिए, ये है। और अगर दर्शनों में जाना है तो फिर सांख्य, मुझे ऐसा लगता है सांख्य और योग बहुत अच्छे दर्शन है जिनसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन पहले ये समझ भी तो होना जरूरी है कि दर्शन क्या है। दर्शन हाँ। सामान्यतः भी देखना तो उसका एक अलग आध्यात्मिक महत्व है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं दर्शन बोलता हूँ, मुझसे कोई बोला होता दर्शन आज से 7-8 साल पहले, तो मैं खुद नहीं समझ पाता ये दर्शन क्या है। और ये भी दुर्भाग्य है क्योंकि ऐसा ये शब्द है जो हमें नहीं बताया जाता है दर्शन के विषय में। दर्शन को आज कोई पढ़ाता भी है तो मोस्टली फिलॉसफी बोलते हैं। मैं भी कभी कभी दर्शन को यही बोलता हूँ कि चलिए मैं फिलॉसफी पढ़ेंगे आज, होता वो दर्शन है। दर्शन और फिलॉसफी, फिलॉसफी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। जैसे फिलॉसफी अगर आप देखिए तो फिलॉस और सोफिया से आया है। तो फिलॉसोफिया मतलब वहाँ पर ये होता है कि जो विजडम से प्यार करे, उसमें प्रेम हो, वो फिलॉसफर है। वो सब्जेक्ट उसका फिलॉसफी है, मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम। लेकिन यहाँ पे जो उसका जो ट्रांसलेशन है दर्शन का, फिलॉसफी नहीं होना चाहिए। दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम नहीं है, यहाँ तो प्रेम से भी उठना है। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है भारत की परंपरा, जो भारत की जड़ें हैं, वो ज्ञान से भी उठना है। ज्ञान साधन है लेकिन उस साधन को भी छोड़ना है। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे ट्रेन से, दिल्ली में ही है सॉरी, जैसे दिल्ली से आप मान लीजिए आगरा जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या वाहन से जाएंगे या फिर आप अपने बाइक से जाएंगे, तो आगरा पे बाइक छोड़ेंगे, ऐसा नहीं बाइक पे बैठे रहेंगे। तो वहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ज्ञान का है, जो उनकी पूरी एपिस्टेमोलॉजी है वो ये है कि ज्ञान का ज्ञान उसको समझना है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ समझने के बाद उसको प्रैक्टिकली लगाना है। तो इसलिए दर्शन क्या, अब दर्शन के पीछे दर्शन ही क्यों कहा गया, तो दर्शन मतलब होता है देखना। लेकिन और यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया कि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी चीजें आप देख सकते हैं, वो सब तो वो रियलिटी है नहीं, ये सब एक कॉन्सेप्ट है रियलिटी का जो आपके माइंड ने बनाया है, ये वो रियलिटी नहीं है। और आज ये पहले ये बातें ऐसा होगा कि स्यूडो साइंस लगती होंगी कि जो दिख रहा है भाई इसको आप रियलिटी नहीं बोल रहे। लेकिन आज पिछले 50-100 सालों में इतना मॉडर्न साइंस ने मतलब आगे काम कर लिया है कि उन्होंने ये प्रूफ कर दिया, दो बातें तो उन्होंने प्रूफ कर दी हैं जो फिलॉसफी में बताई गई और सही है। एक तो पहली बात की जो परसेप्शन है उसकी लिमिटेशन है, जो हमें दिख रहा है या जो हम अनुभव कर रहे हैं या मशीनों के माध्यम से देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। तो ये तो मॉडर्न साइंस ने भी बता दिया है, और इसीलिए इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट रहे हैं वो ईस्टर्न फिलॉसफी में इंटरेस्ट लिए हैं रेदर देन वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी रैशनल थी, वेस्टर्न फिलॉसफी ग्रीक फिलॉसफी जो थी बहुत रैशनल थी, वो चीज़ों को ज्योमेट्री से लेते थे। पाइथागोरस ने पूरी ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स को मेटाफिजिक्स में बदला है, तो उस वजह से क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटन की फिजिक्स पूरी डेवलप हुई है, तो उसका क्रेडिट पूरा जाता है ग्रीक फिलॉसफी को। लेकिन जो अब मॉडर्न साइंस आया है और जो क्वांटम वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं वो ग्रीक फिलॉसफी से सेट नहीं बैठती, वो ईस्टर्न फिलॉसफी से तादाद में ज़्यादा बैठता है। तो अब जाके फिर वो ईस्टर्न फिलॉसफी में, चाहे वो टाओइज्म है, बुद्धिज्म है, जैन है, या फिर सनातन की उपनिषदों वाली बातें, उनसे सटीक बैठता है। तो अब मैं दर्शन समझा रहा था, तो चूंकि ये उन्होंने मान लिया कि परसेप्शन से नहीं हो सकता, और दर्शन का मतलब है भारत में दार्शनिक वही होता था जो देख पाए उस रियलिटी को, जिस रियलिटी को हम नहीं देख पा रहे हैं, जिस रियलिटी को साइंस नहीं पहुंच पा रहा है, उस रियलिटी को अनुभव करने वाला यानी साक्षात देखने वाला वो दार्शनिक है, वो दर्शन समझता है, उसकी बातें दर्शन है। ये ऐसा नहीं है कि हम एक रात बैठे 2-4 दोस्त और सोचने लगे सृष्टि के बारे में, और रात में छत पर बैठे हैं और बातें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छी बातें लगी लिख लिया, वो दर्शन नहीं है, वो फिलॉसफी हो सकती है, दर्शन नहीं है। दर्शन वो है जो आपको उस रियलिटी को जो हम नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी जो हमारी परसेप्शन की लिमिट है, जो हमारे जो ऑर्गन्स उनकी लिमिट है, उस लिमिट को ट्रांसेंड करके वहाँ जो पहुँच रहा है वो दार्शनिक, और उसकी बातें दर्शन है। तो इसलिए फिर दर्शन कहा गया। इसलिए यहाँ पे जो दर्शनों का उद्देश्य है वो दुख की निवृत्ति है, दर्शनों का उद्देश्य है आपका रियलाइजेशन। वेस्टर्न फिलॉसफी में जो फिलॉसफी है उसका ये गोल नहीं है दुख की निवृत्ति, उसका तो ये है कि एज इट इज जानना, यहाँ है एज इट इज देखना। तो एज इट इज जानना फिलॉसफी है, एज इट इज देखना दर्शन है।
इसीलिए दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं समझा पाया हूँ कि दर्शन क्यों कहते हैं। और फिर दर्शनों में जब आप आएंगे तो दर्शनों में फिर जो अनुभव किया है उसके अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अब छक्का मारना है, सूर्य कुमार यादव अलग तरह से मार सकते हैं, विराट कोहली अलग तरह से मार सकते हैं, रोहित शर्मा अलग तरह से मार सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है। तो ऐसी दर्शन है, किसी ने सांख्य दर्शन के माध्यम से उस चीज को रियलाइज किया, किसी ने योग दर्शन के माध्यम से, किसी ने टाओइज्म के माध्यम से, किसी ने जैन के माध्यम से। कोर वही है, वो जो अल्टीमेट रियलिटी है उसका रियलाइजेशन। तो दर्शन भी अलग अलग तरह के हैं, किस वो और वो भाव पर है। किसी को शुष्क वेदांत बहुत अच्छा लगता है कि भाई वेदांत में जो ब्रह्म की परिकल्पना है वो मेरे लिए सही है, मैं द्वैत भाव से किसी चीज को देखता ही नहीं। किसी के लिए द्वैत ही बहुत अच्छा है कि मैं पूरी एग्जिस्टेंस को दो भागों में देखता हूँ। तो ये बस तरीका है पहुंचने का वहीं पर। जैसे मैंने बताया कि आपको एक बॉल पे छह मारना है, वो तरीका है कि आप कौन सा शॉट ले रहे हैं, गोल तो छक्का मारना है। तो दर्शनों का भी यही है। तो अलग अलग तरह के दर्शन है। इनफैक्ट आप दर्शनों की संख्या भी मुझे नहीं लग रहा है आप बता पाएंगे एग्जैक्टली पूरे विश्व में कितने तरह के फिलोसफी हैं या दर्शन हैं। लेकिन भारत में फिर भी एक कैटेगराइजेशन उपलब्ध है कि छह दर्शन आस्तिक हैं जो वेदों से आ रहे हैं, जिनको वेदों को प्रमाण माना गया है। तीन दर्शन ऐसे हैं जो वेदों के इतर भी जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है वेदों में जो होगा होगा, हमें वेदों से कोई सरोकार नहीं है, हम अपनी, जैसे गौतम बुद्ध जी का हो गया और महावीर जी का हो गया और फिर चार्वाक हैं। तो उन्होंने वेदों को छोड़ के अपने दर्शनों अपनी तरह से रियलाइज किया इस पूरी चीजों को। सनातन धर्म में उससे संबंधित अनेक ग्रंथ हैं, वेदांत हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, आगे रामायण महाभारत हैं। क्या इन ग्रंथों में कोई तारतम्यता है, कोई क्रम है? क्रम है, कैसे समझें इनको? जैसे पुराण क्या है, फिर वेदांत और वेद में इनमें क्या फर्क है? मतलब एक सामान्य बुनियादी समझ होनी चाहिए कि ये वेदांत शब्द है तो ये क्या है वेदांत? हाँ, वेद से अलग है या वेद ही है, या फिर महाभारत क्या है और किस लिए है? प्रश्न बहुत मतलब आवश्यक है ये प्रश्न, क्योंकि देखिए वेद, जब कोई वेद बोलता है, अब जैसे हमारी समझ क्या है, हम कुरान को एक पुस्तक की तरह देखते हैं या ग्रंथ की तरह, पवित्र पुस्तक की तरह देखते हैं, हम बाइबिल को एक पवित्र पुस्तक की तरह देखते हैं, पर वेद पुस्तक नहीं है। ये बहुत मतलब जो आज जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा उसको पता होगा, लेकिन जनरल मासेज में नहीं पता होगा। या कोई बोलेगा हाँ एक पुस्तक नहीं है, चार पुस्तक है, ऋग्वेद आपका, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन वो चार पुस्तक नहीं है। वेद बहुत ढेर सारे ग्रंथों का एक समूह है। जितने भी सालों से मैं उसको एक जगह सीमित नहीं करता हूँ, जब से भी मंत्रों के दृष्टा या ऋषियों ने मंत्रों को देखा और मंत्रों को एक जगह रखना प्रारंभ किया और उसके बाद उन मंत्रों पर विवेचन प्रारंभ किया, तो वो ग्रंथ एक के बाद एक आते गए। उसमें से कोई एक ग्रंथ उठा के आप नहीं कह सकते ये वेद है। तो इसीलिए फिर वेद व्यास जी को कहा जाता है कि उन ग्रंथों को विभाजित किया उन्होंने वेदों में। तो उन्होंने बोला ये ऋग्वेद इतना है। अब ऋग्वेद में भी बहुत ढेर सारी पुस्तकें हैं। अब ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में एक संहिता पार्ट है जिसको बोला जाता है ये दैवीय ज्ञान है, ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब ये होगा ये ऐसा ज्ञान है जो मानव के स्तर पर चेंज नहीं होगा। सभ्यताएं आती जाए जाती जाए, ये ज्ञान जो है ये बना रहेगा, ये रेलेवेंट रहेगा हमेशा, ये अपौरुषेय है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है इस पे कि उसने रचा है, ये केवल ईश्वर का अधिकार है उस पे। तो ये संहिता पाठ है जिसमें मंत्र होते हैं। अब उन मंत्रों की थोड़ी विवेचना हुई ब्राह्मण ग्रंथों में, ये भी वेद में ही है, ऋग्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक आए, जो सन्यासी हैं उनको किस तरह के ज्ञान की जरूरत है, तो उसमें जो विवेचना हुई उनको आरण्यक कहा गया। वो भी उसी ऋग्वेद में ही है। हाँ, वो भी ऋग्वेद में ही है। जो जंगलों में जाकर रह रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे हैं, उनके लिए आरण्यक है। उसके बाद जो सन्यास ले लिए पूर्णतया, जो अब ब्रह्म के विषय में सोच रहे हैं, उनके लिए उपनिषद है, वो भी ऋग्वेद में है। तो अब उपनिषद भी अलग अलग वेदों में अलग अलग है। तो ऋग्वेद का एक संहिता पार्ट है, ऋग्वेद का ही एक आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ भी दो तीन हो सकते हैं, उनका भी अपना एक उपनिषद है, उनका भी अपना एक उपनिषद है, उनका भी अपना आरण्यक है। ऐसे ही जब आप यजुर्वेद में आएंगे तो यजुर्वेद में भी चारों हैं, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है। तो उपनिषद वेद से अलग नहीं है, हाँ, लेकिन उनका स्तर अलग है।
संहिता में मंत्र हैं, ब्राह्मण में आपको पूजा विधियां मिल रही हैं, कर्मकांड मिल रहे हैं, आरण्यक में जाएंगे तो थोड़ा और उसमें दर्शन आता है। दर्शन मतलब थोड़ा जगत से समाज से ऊपर उठना, समाज की ही मत सोचते रहना। और जब आप उपनिषदों में जाते हैं तो पूर्णतया आपको समाज और आप इवन आपके शरीर से भी आपको दूर ले जाया जाता है। सारे वेदों में ये चारों चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है, लेकिन उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे अगर आप जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में आश्रम का कॉन्सेप्ट था कि 25 वर्ष तक आपको शिक्षा पे ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य पे ध्यान देना है। अब देखिए आश्रम से ये जो भाग थे, विभाजन भी इनका आश्रमों के अनुसार ही हुआ है। जो संहिता पार्ट है जिसमें मंत्र है, जिसमें कोई विवेचना नहीं है, जिसमें कोई पदार्थ नहीं किया गया है, उसका अर्थ नहीं बताया गया है, वो केवल मंत्र है। अब वो मंत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे जाएं, उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे हैं, जो यंग माइंड है, अगर वो उनको कंठस्थ कर लेगा तो वो बहुत आसानी से आगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके याद करने की क्षमता घटती जाती है। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो 25 वर्ष का प्रथम आश्रम है, उसमें आपको विधाएं पढ़ाई जाती थी उसको कंठस्थ करने की। तो वेद का जो प्रथम पार्ट है, वेद का द्वितीय पार्ट क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, और आश्रम का द्वितीय भाग क्या है, आपका गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य के बाद आपका विवाह होगा, तो विवाह के समय में ऐसी बहुत सी आपके दायित्व थे जो आपको करने थे, जैसे आपको तरह तरह के यज्ञ करने हैं, या आपके घर में अतिथि आ गए, कोई सन्यासी आ गया, कोई भिक्षुक आ गया, उसको देना है। तो जो वो कर्मकांड है, जो आपका दायित्व है, जो आपके कर्तव्य हैं समाज को लेकर, वो ब्राह्मण ग्रंथ में थे। फिर आरण्यक ग्रंथ है, क्योंकि अब आप कहाँ जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, 50 की एज के बाद आपको जंगलों में जाना था, वानप्रस्थ में। तो जंगलों में आपको किस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है, वो आरण्यक में थे। उसके बाद जब आप जंगलों में रहते हुए सब कुछ से विरक्त हो जाते हैं, फिर आप अपने शरीर से, हाँ, तो उपनिषद आ गए। अब देखिए एक ही वेद आपके चारों जो जीवन के भाग हैं उनके लिए ग्रंथों को संजय हुए रखें। ऐसे दूसरे वेद भी हैं। अब चार वेद की आवश्यकता क्या है जब एक ही वेद में चारों चीजें, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो इसमें यह है कि जो ऋग्वेद है वो ज्ञान मार्ग है, उसके जो मंत्र हैं आपको थोड़ा प्रकृति के बारे में बताते हैं, लेकिन यजुर्वेद में थोड़ा सा कर्मकांड ज्यादा है, सामवेद पूरा आपका भक्ति मार्ग है, और उपनिषद में आप आएंगे, मैं अभी अथर्ववेद पे आऊंगा, उपनिषदों में आएंगे तो ऐसे कई उपनिषद हैं जहां पर ये कोट किया गया है कि आपको तीनों मार्ग जो है वो तीनों मार्ग पर आपको चलना है तभी मुक्ति है। बहुत से लोग क्या होते हैं, आज लड़ाई क्या है, आज आप देखेंगे यूट्यूब पर के फलाना आचार्य हैं, उनके फलाना आचार्य से ई लफड़ा चल रहा है। तो वो ई लफड़ा क्या चल रहा है, एक ज्ञान मार्गी हैं जो तर्क से चल रहे हैं, एक भक्ति मार्गी हैं और वो भक्ति भावना से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उपनिषद सीधा कहते हैं कि जो ज्ञान मार्गी है वो अहंकारी है, जो केवल ज्ञान मार्गी है उसको ज्ञान का अहंकार हो जाता है। आप किसी पढ़े लिखे से ज्यादा मिलेंगे ना तो वो अपना अहंकार आपको शो करेगा कि देखो मुझे इतना आता है। और जो भक्ति मार्ग है वो अंधविश्वासी होता है, जो भक्ति में ज्यादा रहता है, चाहे हमारे घर की माताएं हों या मैं ही हूँ या कोई भी व्यक्ति है, जो भक्ति में ज्यादा लगता है, इसीलिए भक्ति से अंधभक्ति आया है, क्योंकि भक्ति में जो ज्यादा लगता है वो अंधविश्वासी हो जाता है। और बीच का मार्ग है कर्म मार्ग, जो कर्म मार्गी होता है, जो न ज्ञान पे है न भक्ति पे, वो रोबोट हो जाता है। जैसे हमारे, आप देखिए कि हमारे आर्मी के लोग हैं, उनको ज्ञान से मतलब नहीं है, उनको भक्ति, उनको देशभक्ति है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका क्या है कि मेरे ऑफिसर ने जो बोला है वो मेरे लिए कर्म है, देश की रक्षा करना मेरा कर्म है। तो जितने दिन वो आर्मी में रहते हैं उनका डिसिप्लिन वैसा रहता है, वो रोबोट की तरह रहते हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग भी रोबोट टाइप में होती है। तो उपनिषद यहाँ कहते हैं कि आप ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों में एक एक जगह जाएंगे और दो को छोड़ देंगे तो आपकी मुक्ति नहीं होनी है। ज्ञान वाला अहंकारी हो जाएगा, भक्ति वाला अंधविश्वासी हो जाएगा, कर्म वाला वो निरीह एक रोबोट हो जाएगा। तो तीनों को साथ में रखना है। इसीलिए ये तीनों वेद जो है, वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, आपके तीनों साथ में रखे जाते हैं। और जब ये तीनों वेद साथ में आते हैं और आपको मुक्ति मिलती है तो उसको बोलते हैं, उस मुक्ति को बोलते हैं कि आप स्थित प्रज्ञ हो गए। प्रज्ञ मतलब बुद्धि आपकी जो है अब लय, मतलब अब उसमें कोई लय नहीं रह गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो सृष्टि को देखा गया है वो ऐसे देखा गया है कि उसमें लय है, अच्छे बुरे की, दिन रात की, मतलब रिलेटिव है सब कुछ। लेकिन जब हम मुक्ति पर पहुंचते हैं तो ये रिलेटिवनेस खत्म हो जाती है, एब्सोल्यूट हो जाता है चीज, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, उसको बोलते हैं अथर्व।
फिर वो चतुर्थ वेद को अथर्ववेद कहा गया कि जब आप वेद त्रयी के माध्यम से उस मुक्ति पर पहुंचते हैं तो आपकी स्थिति अथर्व हो जाती है, और वो अथर्ववेद फिर चौथा वेद बाद में जोड़ा गया। तो ये तो वैदिक वांग में है, जिसमें हर वेद में आपके पास क्या क्या है, आपके पास संहिता पाठ है, आपके पास ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। फिर वेद भी तीन क्यों है ये भी मैंने बता दिया आपको कि ये तीन इस कारणवश है, और चतुर्थ चूंकि आप स्थित प्रज्ञ होते हैं तो उसका एक सिंबोलिज्म है चतुर्थ वेद का। तो ये वैदिक वांग्मय है। इस वैदिक वांग्मय के बाद रामायण महाभारत, इस वैदिक वांग्मय के एक और अंग है जिन्हें हम कहते हैं उपांग, उपवेद, वो दर्शनों को कहते हैं कि मतलब जिन्होंने वेदों को पढ़ा और अपनी तार्किक बुद्धि से कुछ ईश्वर को लेकर कॉन्सेप्ट रचा और उसके माध्यम से ईश्वर को रियलाइज किया, उसको दर्शन कहा गया। तो जो दर्शन होते हैं इनको उपवेद कहा जाता है, यानी कि वेदों से उपवेद जोड़े जाते हैं कि हमें ऋग्वेद से ये उपवेद मिला है और उसके बाद इन दर्शनों को बोला गया कि ये उपवेद है। ऐसे ही वेदांग होते हैं, छह वेदांग होते हैं, मतलब वेदों को कैसे संरक्षित रखना है, क्योंकि आज क्या है, आज हमारे पास तो इनक्रिप्शन टेक्निक्स हैं, हम अपने डेटा को सिक्योर रखते हैं, हमारी पुस्तकें हम उनको सिक्योर रख सकते हैं, हम पासवर्ड्स लगा सकते हैं, हम हर तरह की इनक्रिप्शन मेथड्स को यूज कर, उस समय नहीं था। तो उस समय वेदों को कैसे संरक्षित रखना है उसके लिए इंक्रिप्शन करने के लिए छह विद्याएं थी, उनको जैसे उसमें छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है, तो इसके माध्यम से वेदों को, हमें कल्प है, शिक्षा है, तो इसके माध्यम से वेदों को संरक्षित रखा जाता था जिससे उसमें मिलावट ना हो पाए, तो वो वेदांग कहलाए। तो ये तो वैदिक वांग्मय हो गया। अब रामायण महाभारत है और उसके बाद फिर पुराण है। रामायण महाभारत हमारा इतिहास है और पुराण क्या है कि जो वो जैसे जैसे जीवन हमारा सुलभ होता गया, जैसे जैसे हमारे पास, जैसे आज क्या है, आज हमारे पास गूगल आ गया, आज हमारे पास चैट जीपीटी आ गया, आज हमारे पास ऑटो करेक्ट आ गया, हमें स्पेलिंग नहीं आती, हमें तो फिर भी हम लास्ट जनरेशन है जिनको स्पेलिंग्स आती है, अभी नई जनरेशन को स्पेलिंग्स नहीं आती, वो क्या, ये यही रीजन है। उस समय भी यही हुआ, उस समय जब वैदिक सभ्यता से निकलकर हम, हमारे पास और चीज़ें आने लगी, हम और सभ्य समाज की तरफ आ गया, हमारे पास समाज का स्ट्रक्चर आ गया, हमारे पास कृषि, अच्छी कृषि हम करने लगे, हमारा जीवन और अच्छा होने लगा, तो हमें फिर ये जो शुष्क ज्ञान होता है उसकी लालसा नहीं रहती, तब हमें कथा सुननी होती है, और पुराण फिर उसी रूप में उस ज्ञान को देते हैं आपको कथाओं के माध्यम से। वेदों का सरलीकरण है, सरलीकरण है, और सरलीकरण के साथ साथ आपको थोड़ा मनोरंजक कथाओं के माध्यम से बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, लेकिन केवल मनोरंजक कथाएं नहीं है पुराण। पुराण का भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें वो पहले आपको सृष्टि के विषय में समझाते हैं, सृष्टि प्रकरण कहेंगे, स्थिति प्रकरण कहेंगे, निर्माण प्रकरण कहेंगे, तो आप अक्सर पुराणों को उठाएंगे तो आपको कथाएँ बीच बीच में मिलेंगी, लेकिन जो वैदिक ज्ञान है आपका सृष्टि प्रकरण को लेकर, जैसा दर्शन सांख्य में है या फिर योग में है या फिर किसी वेद में, उपनिषद में है, वैसे सृष्टि प्रकरण आपको पुराण में भी मिलेगा। पुराण खुद बीच में लिख देंगे ब्रह्म से रिलेटेड ज्ञान, लेकिन उसको स्किप करके लोग कथाओं पर ही रहते हैं वो, क्योंकि वो वही है कि आपका जीवन अब सुलभ हो गया है तो आपको कथाओं में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बीच में रामायण और महाभारत कैसे आए बीच में, आप जिसको इतिहास कहते हैं, ये मेरा सवाल है। सवाल भी है मेरा ये कि ये कथाएं हैं, आप चाह लीजिए, ये कथाएं हैं या फिर इतिहास है, और अगर ये कथाएं हैं तो ये इतनी कैसे महत्वपूर्ण हो गई कि इनको धर्म ग्रंथ के रूप में हम लिया जाने लगा। हाँ देखिए, रामायण और महाभारत और इनकी प्रतीकात्मकता क्या है, क्या है इनमें? ये दो, इसमें क्या है कि रामायण और महाभारत निश्चित इतिहास है। अच्छा, ये तो, ये इसमें कोई आपके इसमें दो मत है ही नहीं, ये बिल्कुल इतिहास है और इसके प्रमाण भी बहुत है। जैसे द्वारिका नगरी, आपको समुद्र के अंदर कोई द्वारिका नगरी डुबाता नहीं, वहाँ पे केवल एक ग्रंथ के लिए आपको द्वारिका नगरी के प्रमाण मिलते हैं। इतिहास है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें भी हैं उसमें जो आप विश्वास नहीं कर सकते। आप पढ़ने जाएंगे, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण हो, तो उसमें बहुत से ऐसे डिस्क्रिप्शन है जो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। जैसे कि उन्होंने जब कुंभकर्ण का वर्णन करते हैं तो बताते हैं कि 1000 हाथी उसके शरीर के ऊपर से दौड़ गए, या फिर उसके कान में 100 घड़े तेल डाले गए। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको हम अतिशयोक्ति बोलते हैं, इसको हम क्रिएटिव लिबर्टी बोलते हैं। आप इस डिस्क्रिप्शन को एट्रीब्यूट करना चाहिए राइटर की इमेजिनेटिव पावर्स को,
कि भाई वो इतना इमेजिनेटिव है कि कुंभकर्ण का एक पूरा जो पात्र है उसको इस तरह से उन्होंने रचा है। हम क्या करते हैं, मैथोलॉजी है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर लंबा कैसे हो सकता है, ये क्रिएटिव लिबर्टी है कुंभकर्ण को उतना भयावह बताने की। इतना तो बुद्धि मेरे पास भी है कि 10 किलोमीटर का व्यक्ति नहीं हो सकता। इतनी बुद्धि मेरे पास भी है कि एक व्यक्ति के ऊपर 1000 हाथी दौड़ के जा रहे हैं। अगर आप उसको लेकर बैठ जाएंगे कि हाँ भाई कुंभकर्ण जो था वो इतना ही बड़ा था, तब ये आपकी मूर्खता है। इतिहास में चीजें हुई, उस इतिहास को भारत के, चूंकि वो इतिहास मतलब हार्डकोर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है रामायण जो, अगर वो हार्डकोर डॉक्यूमेंटेशन होता तो आपके उस, आपको उसके इतने संस्करण नहीं मिलते कि उड़ीसा में अलग रामायण का संस्करण है, है ना, और महाराष्ट्र में अलग संस्करण है। अगर आप भारत के दक्षिण भाग में आएंगे और नया संस्करण मिल जाएगा, तो संस्करण अलग हो सकते हैं, उसको आप जैसे आप बोल सकते हैं फैन फिक्शन बोलते हैं कि हाँ हैरी पॉटर है तो उसके अलग अलग संस्करण पर, लेकिन यहाँ पर रामायण की घटना हुई उसके कई ढेर सारे हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स हैं, लेकिन वो जो लिखा है वाल्मीकि जी ने उसमें अतिशयोक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। उस अतिशयोक्ति को हमें एक लेखक की या एक रचयिता की एक टैलेंट की तरह देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि एक मैथोलॉजी लिखी गई। अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत पुराना उनका है, वो ये बोलते हैं कि स्पाइडरमैन अगर न्यूयॉर्क में है तो इसका मतलब न्यूयॉर्क में होने से स्पाइडरमैन सच नहीं हो जाता, कि आप ये बोल दो कि न्यूयॉर्क देखो है, इसको आप डिकोड कीजिए, हम इसको करेंगे डिकोड, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि देखो न्यूयॉर्क है इसलिए बोल देना कि स्पाइडरमैन भी है। ये तो वही बात होगी, रामायण को इसी तरह से प्रूफ किया जा रहा है कि देखो अयोध्या है इसलिए भगवान राम होंगे। अगर इतना आपको बैठ के इस पर डिकोड करना है तो आप मेरे साथ करिए डिकोड, मैं लाइन से चलता हूँ। मैं कहता हूँ मैं नहीं जाऊँगा बाहर, और मुझे कोई गड्ढा नहीं खोदना है, और मुझे कोई साक्ष्य नहीं चाहिए रामायण के लिए, मैं यहीं बैठ के रामायण को सिद्ध कर दूंगा। पहले मैं दर्शकों को बता दूँ, ये जो बात कही है ये ध्रुव राठी ने कही थी किसी इंटरव्यू में, ताकि प्रसंगवश आगे बढ़े। उन्होंने यही बोला था कि ये तो रामायण को सच बोलने का तरीका ये है कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क है तो इसलिए स्पाइडरमैन होगा। अब ये कहना बहुत आसान है, ये छल है, ये तर्क नहीं है। अब आप देखिए रामायण, रामायण की जो कथा है उसमें हमें हिमालय के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका तक के क्षेत्र मिलते हैं। वो आज मौजूद किसी ने नामकरण तो नहीं किया रामायण को देखकर। मैं अभी इसको लाइन से चलूंगा, मैं कुछ तर्क रखता हूँ। ये उस समय की बात है, अगर आज से आप बहुत ज्यादा आप इसको बढ़ाओ चढ़ाओ नहीं तभी 1500 साल पुरानी बात होगी, क्योंकि अगर संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है तो संस्कृत तो कम से कम 2000 साल पुरानी, मैं नहीं कह रहा हूँ संस्कृत लाखों वर्ष पुरानी या करोड़ों वर्ष पुरानी है, 2000 साल तो पुरानी है, क्योंकि हमें और भी ग्रंथ मिलते हैं संस्कृत में, सटीक ग्रंथ भी मिलते हैं, तो संस्कृत 2000 साल पुरानी तो है ही। 2000 साल पहले हमारे पास ऐसा कोई वाहन नहीं था कि हम एक दिन में पूरा इंडिया नाप देते, या फिर हम अफगानिस्तान में गांधार देखाते, गांधारी जहाँ की थी, और हम श्रीलंका में, या फिर हम अपने रामेश्वरम की बात कर लेते, ठीक है। तो अब एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, तर्क मानते हैं जो भी आप जिनका नाम लिए, वो ये तर्क मानते हैं कि एक दिन में या एक महीने में कोई व्यक्ति अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक नहीं जा सकता 2000 साल पहले, लेकिन पूरी कथा में पूरा वर्णन है हर एक जगह का, तो इसका मतलब यह है कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं। अगर मैं रैशनल सोचता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि रामायण फेक है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में जब आप कुछ प्रूव करने जाते हैं तो पहले आप कॉन्ट्राडिक्टरी चीज को मानते हैं, और फिर जब वो गलत साबित होती है तो आप कहते हैं कि भाई ये सही है, तो मैं पहले मान लेता हूँ कि रामायण मिथ है, रामायण फेक है। तो मैं क्या सोचूंगा, अगर रामायण फेक है और ये लिखा गया है और इतनी जगहों का वर्णन है जिसको एक महीने या दो महीने में एक व्यक्ति नहीं नाप सकता, इसका मतलब ये 1000 व्यक्तियों ने लिखा होगा या 100 व्यक्तियों ने लिखा होगा, जो अलग अलग जगह के लोग रहे होंगे। अफगानिस्तान का एक व्यक्ति होगा जिसने गांधार के बारे में बताया होगा, एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति होगा जिसने अयोध्या के बारे में बताया होगा, एक मध्य प्रदेश का व्यक्ति होगा, एक किष्किंधा क्षेत्र का व्यक्ति होगा, एक तमिलनाडु का व्यक्ति होगा, एक श्रीलंका का व्यक्ति होगा, ये सब बैठे होंगे एक साथ। इतने जगह के लोग व्यक्ति कैसे मिल सकते हैं, कोई किसी राजा ने मिलवाया होगा, ये भी तो हो सकता है कि कोई राजा सोचा होगा एक पुस्तक लिखवाते हैं और धर्म की चटनी चटा देते हैं पूरे पूरे भारतवर्ष को, अफीम दे ही देते हैं। तो उसने कहा चलो कश्मीर से लेके आते हैं, उत्तर प्रदेश से लेके आते हैं, मध्य प्रदेश से लेके आते हैं, और लेखकों को बैठाते हैं, एक कहानी बुनते हैं। तो उसने सबको बुलाया और कहा भाई अपनी अपनी जगह की चीजें बताओ, अच्छा तुम्हारे यहाँ सरयू नदी है चलो वहीं पैदा करो, तुम्हारे यहाँ किष्किंधा क्षेत्र है यहाँ से हनुमान जी को लाओ, तुम्हारे यहाँ तमिलनाडु है चलो रामेश्वरम की स्थापना करो, द्वारका इधर, तो उसने लिखवा दी। अब आज आप पुस्तक लिखेंगे कुमार श्याम जी, तो आप मुझे ये बताइए आपकी पुस्तक को पॉपुलैरिटी कितने दिन में मिलेगी पूरे भारतवर्ष में,
बहुत ही कम समय में, बहुत बहुत कम समय में मिल सकती है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है, हाँ। लेकिन फिर भी कंपटीशन है। आप आज पुस्तक लिखेंगे, पब्लिश करेंगे, कितने लोग, हाँ, उसको धर्म लेंगे? हाँ, धर्म तो नहीं मानेंगे। और ऐसा, हाँ, तो कोई राजा नहीं रहा जो अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक पूरा एक क्षत्र राज किया हो। तो आप इस पे चलते जाइए। अब आप देखिए, एक राजा ने इतने लोगों से पुस्तकें लिखवा ली, संस्कृत में लिखवा ली पहली बात तो, और उसके बाद इतने इतनी जगहों की बातें उसमें लिखवा ली, और उसके बाद उसको केवल भारत नहीं, इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, जहां जाए वहां वहां रामायण है, रामायण की बातें हैं। तो क्या यह संभव है? आप एक जगह बैठ के भी सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो तर्क दिए हैं ध्रुव राठी, वो तर्क में कुछ भी ताकत नहीं, वो छल है। क्योंकि न्यूयॉर्क आज हमारे लिए, स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क क्या, आज टोक्यो से न्यूयॉर्क जाना कितनी, 2 दिन का खेल है, पहले नहीं था। पहले अगर हमें गांधार के विषय में पता है महाभारत में, या फिर रामायण में हमें किसी हिमालय क्षेत्र के बारे में पता है जो आज हमें मिलता है, और तमिलनाडु तो एक व्यक्ति का काम, और एक व्यक्ति ने ही लिखा है, वाल्मीकि जी ने, नहीं तो फिर सारे सारे व्यक्ति, चलिए ठीक है, वो तो राजा का काम है मनाना सबको कि एक ही नाम होना इसको, चाहिए इसको रख देते हैं। लेकिन फिर भी राजा के बस की बात नहीं है कि वो एक पुस्तक को लेकर पूरे भारतवर्ष में एकदम धार्मिक अफीम चटा दे। तो और वो पीढ़ियों में भी, और वो पीढ़ियों में चल रही है, किसी ने उस पर प्रश्न नहीं किया है। क्योंकि हमारे जो वैदिक ऋषि थे या बाद में जिन्होंने दर्शन ग्रंथ लिखे हैं, तो क्या वो प्रश्न नहीं उठा सकते थे? वो भी तो उठा सकते थे। तार्किक लोग नहीं हुए क्या? क्या गौतम बुद्ध नहीं हुए क्या? क्या उसके बाद और लोग नहीं हुए? हमारे यहाँ तार्किक लोग हुए ही नहीं और उसको चाटते चले गए, ऐसा नहीं हुआ है। वो चीजें हुई हैं, लेकिन उन चीजों का जो रूपांतरण हुआ है हमारे, इसीलिए काव्य बोला जाता है, कविता, महाकाव्य। काव्य इसीलिए बोला गया क्योंकि उन रचनाओं में कुछ लयबद्धता है, कुछ इमेजिनेशन है, कुछ अतिशयोक्ति है। मैं दोनों लोगों से मुझे दिक्कत होती है, जो लोग इतिहास को मतलब इमेजिनेशन को सच मानते हैं, मुझे उनसे भी दिक्कत है। आप उस इमेजिनेशन को क्रिएटिव लिबर्टी की तरह या क्यों नहीं देखते? जब साफ साफ वहां पर वाल्मीकि जी ने इस तरह से किसी चीज को लिखा है कि वो खुद प्रसन्न हो रहे होंगे कि कितना अच्छा मैंने सेटअप किया है, कि आज रामलीला होती है तो वो भाव आता है। उसको आप पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ना लेके उसको एज इट इज लेते हो, मुझे उनसे भी दिक्कत है। और उनसे भी दिक्कत है जो पूर्णतया मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं मैथोलॉजी बोल के, क्योंकि उसके बहुत ऐसे साक्ष्य मिल चुके हैं हमें जो रामायण और महाभारत को बताते हैं, उनकी डेटिंग्स, और अब इसमें पौराणिक जो युग हैं उनको सेट करना, वो सब दूसरी बातें हैं। और फिर वो बोलना कि 9 लाख साल पहले हुए थे श्री राम जी, या 10 लाख साल पहले हुए थे, या फिर ये अभी, वो उस पर नहीं जा रहे, बट ये जा रहे हैं कि जो प्रमाण हमें मिलते हैं और जो जगहों का वर्णन मिलता है, जिन नदियों का वर्णन मिलता है, जिन पर्वतों का वर्णन मिलता है, वो एक जगह का नहीं है, वो पूरी भारत भूमि का है, वो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और वो भी आज नहीं कि ट्रेन है तो पकड़ गए हम चले गए, आज से 2000-3000 साल पहले की बात है। लेकिन ये जो कथाएं हैं इनका महत्व क्या है? ये कथाएं जैसे ब्रह्मा जी की कथा है, राम की कथा, कृष्ण की कथा है, और इन कथाओं से पाखंड भी उपजा, बिल्कुल, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कथाएँ क्यों रची गई, क्या महत्व था उनका, और पाखंड से ये कैसे अलग है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है। अभी हमारा मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल, उसमें उन्होंने बोला कि मैं अर्जुन से इंस्पायर्ड होती हूँ, ठीक है, वो शूटर हैं और उन्होंने अर्जुन को इंस्पिरेशन लिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये जन सामान्य की बात है जो धर्म से इतना नहीं जुड़ा है, धर्म से जुड़ने का मतलब है कि धर्म की पूरी फिलॉसफी और दर्शन को जानना, हर व्यक्ति तो नहीं जानता है, लेकिन हर व्यक्ति के जो भाव है, क्योंकि हम मनुष्य क्या है, हम भाव पर जीते हैं। आपको हो सकता है कि देवी देवताओं से कोई भाव ना आता हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर देवी या देवता से बहुत भाव आता हो। जैसे मैं, मुझे श्री राम जी से भाव आता है, मुझे श्री कृष्ण जी से इतना नहीं आता है। वो व्यक्ति की एक अपनी चेतना, या फिर मैं अयोध्या से हूँ इसलिए ऐसा हो सकता है। तो ये जो भाव है ना, ये भाव कथाओं के माध्यम से बहुत स्ट्रांग होता है। अब वो व्यक्ति ब्रॉन्ज मेडल अपने जीवन में पा रहे हैं, लेकिन उनका भाव जो है, वो जो चीज देख रहे हैं, जिस जो गोल देख रहे हैं, वो कथाओं के माध्यम से उनको और शक्ति मिल रही है। कथाओं की उपयोगिता ये थी कि आप धर्म संकट में हैं तो कृष्ण जी ने क्या कहा है, कथाओं की उपयोगिता ये थी। कथाओं की उपयोगिता आपके जीवन को सुलभ बनाना है, या क्योंकि आप शुष्क ज्ञान से अपने जीवन को सुलभ नहीं बनाते हैं। डूज एंड डोंट्स, या फिर आपका जो सिद्धांत है, सिद्धांत पे कितने लोग चलेंगे, बहुत कम लोग चलेंगे, लेकिन जो दृष्टांत है, मतलब जो एग्जाम्पल है, उसमें बहुत लोग चलते हैं।
एपीजे अब्दुल कलाम जी इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो सिद्धांत बताएंगे, बहुत कम लोग सिद्धांत पे चलेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेहनत करेंगे, क्यों? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बने थे, एग्जाम्पल पे लोग मेहनत करते हैं। लोग विराट कोहली के सिद्धांत पे मेहनत नहीं करेंगे। विराट कोहली यहाँ इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने बड़ा नाम हो गया है, इतना अच्छा खेलते हैं और इतना प्रसिद्ध है, इसलिए लोग मेहनत करते हैं। तो लोग मेहनत दृष्टांत पे ज़्यादा करते हैं, कथाओं पे ज़्यादा करते हैं, लोग कहानियों पे ज़्यादा करते हैं। लोग एलन मस्क की कहानी पे ज़्यादा भरोसा करके एलन मस्क बनना चाहते हैं, ना कि एलन मस्क किन सिद्धांतों पर खड़े होकर एलन मस्क बने, उन सिद्धांतों के लिए नहीं जीना चाहते। तो इसलिए कथाओं का महत्व है। तो अब कथाओं का महत्व है, लेकिन किन कथाओं की उपयोगिता क्या है उसको रखते हुए उनके अर्थों को सही से समझाना, ये है। उसमें कोई पाखंड नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनसे जो पाखंड उत्पन्न होता है वो दूसरा विषय है। लेकिन कथाओं की उपयोगिता यही थी कि जब आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, मान लीजिए आपके घर के पास का मंदिर है या आपके घर का मंदिर है, आपने पूजा की, आप बहुत अच्छे से हर चीज़ कर ले रहे हैं, लेकिन आप जाते हैं किसी तीर्थ, किसी विशेष समय या त्यौहार पर कि मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ से अगर रिलेटेड कोई कथा होगी तो आपका भाव वहाँ बहुत जगेगा कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, या कैलाश पर शिव जी बैठते हैं, तो कैलाश के लिए जब आप कैलाश पर जाएंगे तो आपका वो भाव आपका शुष्क ज्ञान नहीं जगा पाएगा, जबकि वो छद्म भाव है, ठीक है, वो कथा के माध्यम से आ रहा है, लेकिन वो भाव जो उठ रहा है ना, वो आपको अपने शरीर से अलग कर रहा है। उपनिषद का भी तो यही गोल है कि आपको अपने जगत से, समाज से, शरीर से ऊपर उठा के एक रियलिटी, दूसरी रियलिटी को दिखाए, दर्शनों का यही दूसरी रियलिटी को दिखाए। तो कथा का भी उद्देश्य ये है कि आप में ऐसा भाव उठा दे कि आप अपने अपने अंदर ऐसी चेतना या अपने अंदर ऐसा पोटेंशियल देखें जो आप अपने सामान्य स्तर पर नहीं देख सकते थे। मैं सामान्य स्तर पर, मुझे लगता है, मैं तो आपकी या किसी की तरह नॉर्मल समाज की तरह एक मनुष्य हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे कथाओं से शक्ति मिली, मैंने वो काम कर दिया। तो कथाओं की उपयोगिता ये थी। अब जो पाखंड की बात है, जो जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे मान लो शब्द को शब्दशय ले लेना, एक शब्द के पीछे एक प्रतीकात्मकता होती है, एक उसके पीछे भाव होता है, ऐसे सरस्वती और उनकी उनके पिता ब्रह्मा के बारे में भी चलता है, और भी जैसे राम जी ने शीशा पिघलवा दिया शंभू की कान में, वो उत्तरकांड का वो प्रसंग है राम जी के बारे में, तरह तरह की चीजें आती हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन गला काट दिया, उतने साल पहले हुई या नहीं हुई ये बहस है, लेकिन उस बात को आज भी नैरेटिव निर्माण में, देश की राजनीति को प्रभावित करने में, और एक वो जो वोक कल्चर है उसको प्रमोट करने में बड़ा, मतलब उन कथाओं का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये वही चीज है कि आपने 100 चीजें पढ़ी, 99 अच्छी चीजों को छोड़ के एक जो आपको लगा वो आपने बोला, और वो कथाएं, कथाओं की मोरालिटी और कथाओं का जो परिवेश है वो आज का नहीं है, है ना। आप ऐसे ज्ञान को आज के परिपेक्ष में लगा सकते हैं जो नित्य है, जैसे भगवद गीता का जो ज्ञान है वो नित्य है, उसको आज भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम को उठाएंगे कालिदास जी की, और उस समय की जो मोरालिटी थी और उस समय का जो प्रेम था एक पुरुष और स्त्री के बीच में, वो प्रेम तो आज स्थापित आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में बहुत डिफरेंस है। आज से 100 साल बाद हो सकता है कि हमारे पास एक वर्चुअल व्यक्ति ही हो प्रेम करने के लिए, क्या करेंगे? तो अब हम कहेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम वाला प्रेम जो है हम इस वर्चुअल व्यक्ति के साथ करेंगे तो संभव नहीं, और उसको खींच के आज कटघरे में खड़ा कर देंगे तो नहीं। तो कथाओं का परिवेश भी देखना चाहिए, ज्ञान को पहले आपको तौलना चाहिए, वो ज्ञान क्या, वो ज्ञान नित्य है क्या, वो ज्ञान कालातीत है, काल से परे है, तब उस ज्ञान को लगाया जा सकता है। अगर आप किसी एक समाज विशेष की बात करते हैं और एक इतिहास की बात करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी इतिहास में हुई हैं जो उस समय बहुत अच्छी थी, लेकिन आज सबसे बड़ा क्राइम होगा वो अगर आज हम करेंगे। तो ये समाज बदलते रहता है, ये परिवर्तन होते रहता है, इसलिए फिर वही होता है कि हम आज धर्म या किसी को भी धर्म को या किसी को भी बदनाम करना है तो फिर वो कथा हमने ऐसी उठाई जो इस तरह की है। लेकिन अगर आप कथाओं में भी जाएंगे और मंथन करेंगे तो बहुत सी ऐसी होती है जो प्रक्षिप्त होती है, बहुत सी ऐसी होती है जिनको गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया है। और मैंने हर कथा तो नहीं पढ़ रखी है और ना मैं कोई शंकराचार्य हूँ, आप मेरे पास बैठे हैं, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि कथाओं जितना मैंने, और मैं भी पहले स्केप्टिक रहता था, जब मैं भी ब्रह्मा सरस्वती जी की सुना तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि अरे चलो मैं तलवार निकाल लेता हूँ और ब्रह्मा सरस्वती जी को बोल दिया। जब मुझे खुद हुआ कि भाई मेरे धर्म ग्रंथ में ऐसी बात लिखी है, मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ क्या है, जब मैं पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ
और मुझे चूंकि सांख्य पता है, मुझे चूंकि वेदांत पता है, तो मुझे पता है कि वो क्या आ रहा है वहां पर। वो जो सांख्य में प्रकृति से आपका पहला महत उत्पन्न हो रहा है, इंटेलिजेंस उत्पन्न हो रही है, वही पुराणों में ब्रह्मा जी से सरस्वती उत्पन्न हो रही है, सरस्वती हमारी ज्ञान की देवी है। तो जब आप उनको कृति है, वो पुत्री नहीं है, और उसमें भी जब मैंने पूरी वीडियो की है उसमें भी वो भस्म कर दिए गए ब्रह्मा जी, तो आप क्या होता है पूरी कथा नहीं पढ़ते, बीच का दो चार क्लिप वो उठा के दिखा के ये नहीं चलेगा। इसलिए मैंने वो वीडियोस की हैं कि आपको पूरा पहले आप देखिए वो ग्रंथ में क्या लिखा है। और वही चीजें हैं कि बदनाम करने के लिए जिसको करना है उसके लिए एक कोई ऐसा नहीं, आप उसको समझा भी पाएंगे, आप उसको सच भी बताएंगे, तो उसका तो उद्देश्य अलग है। तो जिसका उद्देश्य अलग है उसको आप तर्क से भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। अब भारतीय दर्शन परंपरा में एक व्यक्ति जो अपने समय में भी विवादित रहे, काफ़ी चर्चित रहे, और आज भी उनके नाम को लेकर, उनकी बातों को लेकर काफ़ी चर्चा है, युवा में तो लगभग लोकप्रिय है, वही व्यक्ति हैं, रजनीश ओशो। आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, ओशो ही नहीं, ओशो तो आप चर्चा करने में उन पर बोलूँगा। कभी कभी व्यक्ति का समय ऐसा होता है, अभी जैसे आपने कथाओं की बात की, कथावाचकों की बात की, और ओशो हो गए या फिर और भी लोग हैं, सदगुरु हो गए, ऐसे ये जो लोग हैं आज भारत में या कहीं भी आपके मन में कुछ कुंठाएं हैं, अगर मान लीजिए आपके जीवन में समस्याएं हैं, बहुत से समय ऐसी समस्या होती हैं जो ना आप अपने दोस्त को बता सकते हैं, ना अपने माता पिता को बता सकते हैं, ना आप अपनी पत्नी को बता सकते हैं, आपको कोई प्राइवेट व्यक्ति चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सॉल्यूशन भी नहीं जानना है, सिर्फ आपको कोई सुनने वाला चाहिए। तो भारत में जो आपने बोला ना, ये बाबाओं का कल्चर, जो कथा पाखंड और ये, तो लोग वहाँ इसलिए भी नहीं जाते कि मुझे ये बाबा बहुत बड़ा कुछ दे देंगे, वो इसलिए जाते हैं कि कोई सुन ले, ये एक अंदर की वेदना है, कोई सुन ले। मेरा भी एक ऐसा समय था जब मुझे भी बहुत अनिश्चितताओं ने घेर रखा था, तो मैं भी ओशो को सुनता था, मैंने सदगुरु को भी सुना है। तो जब ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति व्यथित है, जो जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, वो जब सुनता है ना, तो वो व्यक्ति को नहीं सुनता, उसके विचारों को सुनता है। मुझे उसको कुछ मतलब नहीं है कि ये ओशो क्या करते हैं अपने जीवन में, या सदगुरु क्या करते हैं, या कितने बड़े पाखंडी या कितने बड़े दार्शनिक हैं या कितने बड़े स्पिरिचुअल गुरु, उसको सिर्फ शब्दों में आलंबन मिलता है, शब्दों से ही उसको एक आराम मिलता है। अब ओशो जो हैं, ओशो की बहुत बड़ी ताकत थी, उनके शब्दों की जो ये ताकत है और जो लयबद्धता है, वो इतनी बड़ी ताकत है कि वो एक तरह से मादक पदार्थ है, कि आपके कानों में पड़ा तो आप अपने गम को भूल गए और आपको अच्छी नींद आ गई। तो ओशो का ये अपना एक टैलेंट है। साथ में चूंकि ओशो जो थे वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे और उन्होंने फिलॉसफी में बहुत कुछ पढ़ा था, तो उनको पता था, चीज़ें पता थी। और एक दर्शकों के लिए ये भी कि ओशो ने जो बोला वही लिखा गया, वही किताबें हैं उनकी। हाँ, उन्होंने एक पत्र लिखे सिर्फ। हाँ, और ग्रंथ हैं, वो बोले हुए भाषणी हैं एक तरीके से। हाँ, और वो वीडियोस आज भी चलती हैं जो हैं, और रील्स हैं। ओशो, अब मैं ओशो की आइडियोलॉजी बताता हूँ। ओशो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा, मतलब ये निगेटिव वर्ड है, लेकिन इसका पॉजिटिव वर्ड मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ, बट ओशो एक अवसरवादी व्यक्ति थे। मतलब उन्होंने कई कई जगह पर ईश्वर का खंडन भी किया है, और कई कई जगहों पर जहाँ अवसर आया है वहाँ पर उपनिषदों और आदि के माध्यम से एक सर्वोच्च सत्ता का उन्होंने प्रतिपादन भी किया है। वो सबसे ज़्यादा उपनिषदों और जो बुद्धिज्म और साथ में टाओइज्म से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, उनके व्यक्तित्व से पूरा पता चलता है। अब टाओइज्म क्या है मैं समझा दूँ तो आपको ओशो समझ में आ जाएंगे। टाओइज्म ये कहता है कि हर एक चीज़ जो हो रही है संसार में, जो प्रकृति में हो रहा है, उसके पीछे एक टाओ है, जिसको हम धर्म कह सकते हैं सनातन धर्म में। वो टाओ है, वो टाओ रियलिटी है जहाँ पहुँचना है। पूरी प्रकृति उस टाओ को ढूंढ रही है, और जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है वो अपने आप होता है, और वो टाओ ही तक पहुँचना है सबको। और टाओ की जो दो रिफ्लेक्शन है, यिन और यांग, मतलब यिन और यांग ऐसा है कि दो विपरीत तत्व हैं जो एक दूसरे में घट बढ़ के इस पूरा खेल कर रहे हैं। अगर हमें सर्दी लग रही है तो कहीं गर्मी हो रही होगी, या अपना भी जो एक्सपीरियंस है वो रिलेटिव है। तो वो टाओ से इतने प्रभावित थे ओशो
और चूंकि टाओइज्म में ये कहा गया और वो पढ़ते थे लाओत्सू की टाओ टीचिंग, ये बुक जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें ये, चूंकि मैं भी पढ़ा हूँ तो मुझे पता है उनको क्या हिट किया होगा, तो उनको ये बात हिट कर गई कि प्रकृति में, उनका उनकी कई रील्स हैं जो इस पर, इस बात पर है कि जैसा प्रकृति करवा रही है ना वैसे बहो, प्रकृति को छेड़ो मत, सिस्टम में बंधो मत, समाज में बंधो मत, प्रकृति जो तुम्हें करा रही है, प्रकृति जैसे बहा रही है वैसे बहते जाओ। अब व्यक्ति को प्रकृति की तरह बहाना है, ये उनके वक्तव्यों में मिलता है, इसलिए वो ऐसी बातें करने लगे। फिर इसीलिए जब हमारे बॉडी की नीड्स हैं, जो हमारे जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वो भी चूंकि प्राकृतिक हैं, तो उस पर भी उन्होंने बोलना प्रारंभ किया कि प्रकृति करा रही ना तुमसे, और तुम देखो पूरी प्रकृति में हर एक चीज, चाहे वो पेड़ हो, जंतु हो, जीव हो, नदी हो, पहाड़ हो, वो प्रकृति के नियमों से चल रहा है, तुम प्रकृति के नियम से नहीं चल रहे, तुमने तो अपने सिस्टम बना लिए, तुमने तो एक स्ट्रक्चर बना लिया रिलीजियस, तुम्हें तो मंदिर जाना है, तुम्हें तो मस्जिद जाना है, तुम्हें तो ऐसे शादी करनी है, तुम्हें तो ऐसे विवाह करना है, ऐसे गुरुकुल में पढ़ना है, ऐसे टीचर से पढ़ना है, ये सब तोड़ना है, क्योंकि तुम प्रकृति की तरह नहीं कर रहे हो, तुम अपनी तरह कर रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। तो ओशो क्या कहे, ओशो ये कहने लगे कि प्रकृति की तरह रहो, जो टाओइज्म से आ रहा है कि प्रकृति की तरह बहो, तो जो तुम्हारे थॉट्स उठ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके उनकी तरह जियो, वही तुमको टाओ तक ले जाएंगे। इसलिए उनका जो संभोग से समाधि तक आता है, इसीलिए फिर उनके विचारों में दिखता है कि वो विवाह के खिलाफ चले गए, इसीलिए उनके विचारों में दिखता है कि संतान की परवरिश के खिलाफ वो चले गए, कि तुम क्यों उसको आइडिया दे रहे हो अपने बच्चों को कि इस तरह से जीना है, तुम क्यों बच्चों को बोल रहे हो तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, प्रकृति अपने आप डिसाइड करेगी, वो बच्चा अपने आप। तो उनका पूरा जो थॉट प्रोसेस था वो स्ट्रक्चर के अराउंड था। अब मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उनसे बस एक दिक्कत है कि जब आप पूरी जिंदगी सिस्टम के खिलाफ रहे तो आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया, तो आपने पुणे में या ओरेगन में, आपने यूएसए में अपना कल्ट क्यों शुरू किया। ये तो बात हो गई ना कि आप प्रीच कुछ और कर रहे हैं लेकिन आप वो कार्य कर नहीं रहे। तो उनकी जो टाओइज्म से आ रहा है या उपनिषद से आ रहा है या धम्मपाद जो बुद्धिज्म से, उनका जो ये फिलोसफी है वो विचारक है, तो उनका जो विचार आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, वो आपकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है, वो आपको सही मायने में रूढ़िवादी चीजों से दूर ले जा रहा है। लेकिन फिर आप घूम के देखते हैं तो ओशो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन बुला रहे हैं, वहां पे आपसे डायनेमिक मेडिटेशन करा रहे हैं, वो अपना एक कल्ट बनाए हैं जिसमें एलीट लोगों की ही जगह है, तो ये भी तो एक स्ट्रक्चर है। आप ये तो नहीं बोल रहे अपने घर से करो या फिर मेरी बातें सुनो उस पर तर्क लगाओ और अपने आप को जो फ्री करो, ओशो से जुड़ना पड़ेगा। हाँ, ये विरोधाभास उनके व्यक्तित्व में, तो ये विरोधाभास दिखता है। और यदि आप आगे जाएंगे इसमें तो ओशो का ये जो विरोधाभास है बहुत बड़ा विरोधाभास है, तो इसलिए अगर उनको एज अ अपने आप को ऑल इज वेल करना है और अपने आप को सुलाना है या अपने आप को एक मादक पदार्थ देना है तो आप ओशो को सुनिए, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं सुनना चाहिए मादक, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर मैं आज भी परेशान हूँ तो मैं ओशो की 15-20 मिनट 25 मिनट सुनता हूँ, क्योंकि वो कोई उनसे नहीं छीन सकता वो गुण जो उनके अंदर लयबद्धता और जो एक के बाद एक सेंटेंसेस का आना है, वो कभी पैसिव वॉइस में बात नहीं करते, तो एक्टिव में ही चलते रहते हैं। ये विराट है, असरस भरी कला थी उनमें, ये कला है। अब आप कला तक सीमित रखिए, यही बोलो कथा जो करते हैं वाचक, आप कथा के लिए जाइए, कथा वाचक के लिए मत जाइए, आप मेरी वीडियो के लिए देखिए, विशाल चौरसिया के लिए मत देखिए। जहां आपने विशाल चौरसिया के लिए देखना प्रारंभ किया ना, विशाल चौरसिया आपको खा जाएगा। तो आप मेरी वीडियो केवल ज्ञान के लिए देखिए, आप कथावाचक की कथा के लिए सुनिए, आप प्रधानमंत्री चुनिए प्रधानमंत्री के कार्यों के लिए। जहां आपने व्यक्ति विशेष को वो दिए, ओशो के साथ यही हुआ, ओशो को जहां आपने किया कि नहीं ओशो इंपॉर्टेंट है रेदर देन की ओशो के थॉट्स, तो फिर ओशो तो खाई जाएंगे आपको। ओशो जब तक भारत में थे तब तक उनकी जो विरासत थी एकदम उजली ध्वल थी, अमेरिका गए, अमेरिका से वापस लौटे, तब ओशो वो ओशो नहीं थे जो ओशो जाने जाते थे। ओशो से कभी पूछा गया था कि आप दुनिया में या फिर भारत में किस व्यक्ति को एडमायर करेंगे, तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया कृष्णमूर्ति। मैं उनके बारे में शून्य जानता हूँ, कृष्णमूर्ति के बारे में शून्य जानता हूँ। उनके भाषण भी लगभग अंग्रेजी में है, उनके कोटेशन अंग्रेजी में है, और तो आप बताइए कौन है कृष्णमूर्ति जो ओशो ने भी एडमायर किया। आपने बताया, मैंने सुना नहीं है कि ओशो ने बोला होगा, बोला है। तो
मैं जितना समझ पा रहा हूँ उन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले क्या बताया था, आप दुनिया भर में प्रपंच फैला लीजिए, माया फैला लीजिए, आपको सोना अपने साथ है। जब आप अपने साथ सोने जाते हैं ना, तो आप दिन भर या अपना काम जो किया है साल भर का, दो साल का, पांच साल का, और चूंकि आप इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, इतने लोगों के जीवन को आप बदल रहे हैं, तो आप अपने अगर कुछ गलत कर रहे हैं आप सो नहीं पाएंगे, या आपके अपने सपने होंगे जो आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं इस माया में। ओशो कृष्णमूर्ति बनना चाह रहे होंगे और वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कृष्णमूर्ति का नाम लिया। क्यों? क्योंकि कृष्णमूर्ति उनसे एक स्तर ऊपर थे। ओशो तो क्या करते थे, ओशो और कृष्णमूर्ति में एक समानता है, ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों सिस्टम से आपको अलग करना चाहते हैं, दोनों आपको किसी भी तरह के रूढ़िवादी पारंपरिक चीजों से दूर करके आपको स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं दोनों। ओशो तो फिर भी उपनिषदों और टाओइज्म और बुद्धिज्म को पढ़ के आपको बता रहे हैं, कृष्णमूर्ति तो उससे भी दूर ले जाते हैं, वो बोलते हैं कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़ना है, सेल्फ रियलाइजेशन आपके अंदर है, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृष्णमूर्ति इतने आपको एसेटिक लाइफ में ले जा रहे हैं, ओशो तो फिर भी आपको मादकता और वो मेडिटेशन कराना चाह रहे हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति वो भी नहीं चाह रहे। और कृष्णमूर्ति इसलिए ओशो से महान है क्योंकि कृष्णमूर्ति जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, उन्होंने आज तक किसी उसमें आपको नहीं बुलाया, उन्होंने आज तक अपना ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जिसमें आप पार्ट बने और कृष्णमूर्ति के सिद्धांतों का वो करें, इसलिए ओशो बोले होंगे कि कृष्णमूर्ति, क्योंकि ओशो को भी सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना कि हमने जीवन में क्या किया पिछले 30 साल में, तो ओशो जब अपने पिछले 30 साल को देखे होंगे तो उनको यही लगा होगा कि मैं बनना तो कृष्णमूर्ति चाह रहा हूँ लेकिन मैं भी प्रपंच में फंस गया, मैं सिस्टम के खिलाफ लोगों को ले जा रहा था, मैंने भी सिस्टम बना लिया। कृष्णमूर्ति ऐसे नहीं है, कृष्णमूर्ति जब आपको बोलते हैं कि ना आपको किताबों में पढ़ना है, ना आपको पारंपरिक प्रथाओं में पढ़ना है, ना आपको सामाजिक व्यवस्थाओं में पढ़ना है, किसी चीज से नहीं बनना है, तो कृष्णमूर्ति आपको बांधते भी नहीं है, ओशो बांधते हैं, इसलिए उन्होंने कृष्णमूर्ति को बोला कि कृष्णमूर्ति ने उनसे किसी ने पूछा होगा कि आप दुनिया में किस व्यक्ति को आज एडमायर करेंगे, तो उन्होंने उनका नाम लिया कि पहले तो कहा कि कोई नहीं है, नहीं एक व्यक्ति है, फिर कृष्णमूर्ति का नाम। तो कृष्णमूर्ति इसलिए, और कृष्णमूर्ति इसीलिए ज्यादा मेरे लिए भी थोड़े ज्यादा मैं आपता हूँ कृष्णमूर्ति। नहीं, कृष्णमूर्ति का सिद्धांत क्या है, कौन थे कृष्णमूर्ति, मैं ये समझना चाहता हूँ। कृष्णमूर्ति सच मैं उनका बैकग्राउंड नहीं जान रहा हूँ। नहीं नहीं, वैसे मतलब जैसे ओशो का एक मोटा मोटी आपने खाका खींचा कि इस तरह का वो विचार रखते थे, कृष्णमूर्ति भी विचार रखते थे, कृष्णमूर्ति आपकी सेल्फ इंक्वायरी जो है उसको ऊपर रखते थे। मतलब कृष्णमूर्ति भी पहले बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए भी थे, ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम को मना कर रहे हैं तो सिस्टम से नहीं, उनकी जो इसको बोलते हैं कि थियोसॉफिकल बोलते हैं शायद, तो थियोसॉफिकल उनके थॉट्स थे, लेकिन उसके बाद उनको ये रियलाइजेशन होने लगी, जैसे ओशो की भी हुई थी, ओशो भी आरएसएस से जुड़े थे लेकिन उन्होंने आरएसएस छोड़ा, ओशो भी मुझे लग रहा है आज और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको उन्होंने छोड़ा है, ऐसे ही फिर कृष्णमूर्ति भी छोड़ते हैं, लेकिन फिर कृष्णमूर्ति कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते नहीं है, कृष्णमूर्ति फिर अपने जो छोटे छोटे उनके लेक्चर्स हैं उसके माध्यम से, ऑब्वियसली मैं नहीं मानता हूँ कि वो उनके थॉट रहे होंगे, वो डेफिनेटली उन्होंने उपनिषद पढ़े होंगे, डेफिनेटली उन्होंने टाओइज्म पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने पुराने दर्शनों या शिक्षाओं को बिना पढ़े कुछ थॉट प्रोसेस बना होगा, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए समझना कि अपने आप से आना, तो उन्होंने क्या, बट उन्होंने कभी आपको बांधा नहीं कि मतलब आप प्रश्न उपनिषद या फिर आपका जो कठ उपनिषद है इससे ही यही जो लिखा है यही, उन्होंने हमेशा कहा कि तर्क करते रहिए लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन, और उन्होंने ये भी माना कि सेल्फ रियलाइजेशन आपका अंतर मन में ही होने वाला है, अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, सबसे आपको अलग करना पड़ेगा। लेकिन ओशो कृष्णमूर्ति इन बाबाओं से तो भिन्न है, जिन बाबाओं की इन दिनों चर्चा होती है, रील्स वगैरह उनकी वायरल होती क्योंकि, है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है ना, मैंने बताया ज्ञान मार्गी है वो, भक्ति मार्गी है। देखिए ये जो कल्चर है बाबाओं का, प्रेमानंद जी मशहूर हुए और जग्गी वासुदेव जी को मैं अलग मानता हूँ, सदगुरु को मैं इनसे बाबाओं से थोड़ा कथावाचकों से थोड़ा अलग मानता हूँ, है या नहीं मुझे नहीं पता, वो प्रीमियम उसमें चलेगा। हाँ, वो थोड़े वो सब्सक्रिप्शन वाले हैं। ये कल्चर जो बाबाओं का लोकप्रिय होना है, फिर आम जन मानस का उन्हीं को देख कर लगता है कि यही सनातन है, यही वो धर्म है, यही अध्यात्म है, मेरा आखिरी प्रश्न है, ये हमारे लिए किस तरह से इनको देखें, किस तरह से सोचें? देखिए मैंने वही बताया, जैसे आप अगर मुझसे एक
छोटे से उसमें पूछेंगे कि सही है कि गलत है, तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि कोई भी चीज़ सही गलत होती नहीं है, सब ग्रे है, ब्लैक एंड वाइट कुछ है नहीं। इसमें मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, अब जैसे जो बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं या प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी वजह से बहुत सी लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी भी आती है, बहुत सी लोग संस्कृति का प्रिजर्वेशन भी होता है, हमारी जो इतनी संस्कृति है कथाओं के साथ, हो सकता है ज्ञान मार्ग आगे और बढ़े, वेदांत और बढ़े, बुद्धिज्म और बढ़े, उपनिषद और बढ़े, लेकिन हमारी एक ये भी तो संस्कृति रही है, रामलीला की संस्कृति रही है, हमारे राम कथा की संस्कृति रही है, महाभारत की संस्कृति रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व होनी चाहिए। तो वो बागेश्वर धाम से हो रही है या वृंदावन से हो रही है, तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात है, और वो जो बताते हैं उससे अगर किसी के जीवन में एक सकारात्मकता आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में जैसा कि सुनने में ही आता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं चैरिटी भी कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स भी चला रहे होते हैं, बहुत ढेर सारा भंडारा भी कर रहे होते हैं, तो ये सही मायने में जो सही दिखती हैं, लेकिन कई मामले हमारे सामने ऐसे आए हैं जिनमें पीछे से गलत काम होते हैं या पाखंड फैलाया जाता है। ये इसके साथ एक निगेटिव, क्योंकि क्या है, आपके शक्ति के साथ आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, शक्ति तो बहुत आ गई, क्योंकि आज शक्ति क्या है, आज शक्ति पैसा नहीं है, लोग हैं, कि आपके पास इतने लोग हैं तो आपको नेता भी पूछ रहे हैं। आज कोई बाबा कितना भी कहे कि मैं सरकार से एफिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन वो हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस सरकार, जो समय की प्रेजेंट सरकार है, सरकार को फायदा बाबा से है, क्योंकि बाबा तो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे आज मुझे बोला जाता है मैं भाजपा का एजेंट हूँ, तो जब इतने छोटे व्यक्ति को जब बोला जा रहा है तो इतने बड़े बाबा हैं, और इतनी बड़ी चीज को सरकार अपने फायदे में बदलती है, तो जब सरकार अपने फायदे में बदल रही है तो पाखंड होगा, तो इसलिए पाखंड इनके साथ जुड़ा रहता है। यही जो आप बोल रहे हैं बाबा का कल्चर, इसमें सही गलत कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लोग होते हैं पाखंड करते रहते हैं लेकिन वो अपने पाखंड को अपनी इस चैरिटी से छुपाते रहते हैं। अब इसमें एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है कि मैंने पैसा भेजा किसी अमुक संस्था को जहाँ के कोई कथा चल रही है, उस अमुक संस्था ने उस पैसे को भंडारे में लगाया, तो ये सिस्टम हो ही क्यों? आप इतना उनको समझाइए, अपने कथा सुनने वालों को, कि वो खुद भंडारा करवाएं, आप तो नहीं इतने काबिल बना रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं तुम मुझे दो मैं भंडारा करवाऊंगा, ठीक है एज अ सिस्टम ये ठीक है, लेकिन धार्मिक स्तर पर तो कोई उन्नति नहीं हुई। जो आया है वो उसको भी लगा हाँ इनको मैं 101 रुपए दूंगा, भगवान मेरी सुन लेंगे, भंडारा हो जाएगा, उसकी धार्मिक उन्नति नहीं हुई है, कोई उन्नति नहीं हुई है। लेकिन यदि वही कथावाचक या वही जो अपना विचार रख रहे हैं वो इतना प्रभावशाली विचार रखें कि वो खुद व्यक्ति उठ के चार लोगों को खिलाए, तो ये धार्मिक उन्नति है। तो ये सिस्टम बहुत खराब है कि तुम मुझे दो, बाबाओं को दो, और बाबा चैरिटी करेंगे। अरे आपका काम है कि समाज चैरिटी करे, मेरा काम है कि अगर मैं कल को इन्फ्लुएंसर कहा जाता हूं तो मैं इन्फ्लुएंसर ये नहीं हूं कि मैं सबसे पैसा लेके फिर मैं चैरिटी करूं, मैं इतना काबिल सबको बनाऊं, इतनी समझ सब में डालूं कि वो अपने जेब से सबकी चैरिटी करें। तो ये है, बहुत सी चीजें हैं इसमें जो लेकिन वही है कि एक व्यक्ति जब इतना सब कुछ कर रहा होता है एक तरफ, तो वही है कुछ ना कुछ छुपती है, कुछ ना कुछ आगे आती है, इसमें सही गलत तो बोला ही नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन संविधान इसीलिए है कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो असंवैधानिक है तो आपको जेल जाना है। तो अगर आप मुझसे कहेंगे ये कथावाचक, तो इसमें बहुत सी चीजें मिली जुली, अगर आप इनको आप अंदर से देखेंगे और जो वक्तव्य आते हैं अगर उससे जीवन बदल रहा है लोगों का और आस्था बढ़ती है, क्योंकि देखिए आस्था एक ऐसा हमारे बायोलॉजिकली हमारे अंदर है कि आप आज किसी से सनातन धर्म छुड़वा भी दें या उसका धर्म उससे छुड़वा दें, बौद्ध धर्म उससे छुड़वा दें, या अगर वो इस्लाम छुड़वा दें, तो बिना धर्म के वो रहेगा नहीं जीवन भर, वो जाके किसी ना किसी आस्था या धर्म में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वायरिंग ही बॉडी की ऐसी हुई है कि हमें कोई ना कोई आलंबन या कंधा चाहिए। अगर बाबा अम्बेडकर जी कहते हैं कि सनातन धर्म खराब है छोड़ो, तो धर्म दूसरा धर्म देना ही क्यों? व्यक्ति को तार्किक बनना है ना, व्यक्ति को किसी धर्म से क्यों जोड़ना? तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को जा रहे हैं तो ये वही बात होगी कि आप समोसा छोड़ के पेटीज खा रहे हैं, है ना? तो ये बातें हैं इसमें, इसलिए मैं इसका सही और गलत तो बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा, इसमें बहुत सी चीजें मिक्स्ड हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी आपका, आपने इतना विस्तार से सब कुछ बताया और ये ज्ञानवर्धक एपिसोड दर्शकों को भी पसंद आएगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।